वजीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन ने कहा है कि मुल्क में डीजल और पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं, 34 दिन का स्टॉक है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। लौटा नहीं हूँ, न किसी हुकूमत में जाऊंगा। डीजल का 34 दिन का स्टॉक मौजूद। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का मिफ्ता इस्माइल को भी लंबी नींद का मशवरा। मैं पीटीआई का मेंबर हूँ और उधर इलेक्टेड सेनेटर हूँ। पीटीआई की हुकूमत अगर रहेगी तो मैं रहूँगा, और मुझे किसी ने कहा कि आप रह जाएं दूसरी हुकूमत में, मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा। मैं असूल पसंद आदमी हूँ और मैं जो वो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मैं लौटा नहीं हूँ। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि आईएमएफ के साथ बिजली के रिलीफ और पेट्रोल की सब्सिडी पर बातचीत चल रही है। महंगाई के हसास इशारे 36 माह की कम तरीन सतह पर लाए, अब 1800 रुपए वाले को 800 रुपए बिजली के बिल पर रिलीफ दिया है। 1840 रुपए का जिसका बिल था उसको 805 रुपए का रिलीफ मिला। 805 रुपए उसका बिल जो है 1035 रह गया। सिग्निफिकेंट, वो 5 रुपए तो वैसे 5 रुपए नजर आता है ना, जब बिल में ट्रांसलेट होता है तो ये बिल में ट्रांसलेट। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर शौकत तरीन का कहना था कि अक़वामे मुत्तहिदा हर साल हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता है। साल 2018 में पाकिस्तान 75वें नंबर पे था, अब पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में 67वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तानी भारतीयों से ज्यादा खुश हैं। भारत 6 दर्जे तनज़ुली के बाद 139वें नंबर पर चला गया है। अगर आप देखें तो अगर पाकिस्तान 67th है तो ये अगर एशिया में देखा जाए तो ये टॉप 15 मुल्कों में है, और हिंदुस्तान जिसका बहुत चर्चा होता है वो बहुत नीचे। और हमारे तासर ये है कि लोग नाखुश हैं, बहुत मारामारी है, बहुत अजाब आ गया है। तो ये इंटरनेशनल सर्वे है, ये हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं करवाया। शौकत तरीन ने कहा कि यूक्रेन और रूस की जंग में बॉन्ड जारी करने का वक्त नहीं। मिफ्ता इस्माइल बस ख्वाब देखें और लंबी लंबी नींद करें।